फिरोजाबाद बसपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। केक काटकर एक दूसरे को खिलाकर मायावती के जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंत प्रताप ने शिरकत की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बसपा सुप्रीमो ने गरीबों, दलितों व आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोरों के लिए जिंदगी भर युद्ध स्तर पर संघर्ष किया है। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और मायावती की लंबी आयु की कामना की। सबने संकल्प लिया कि बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर जन्मदिन का तोहफा देना होगा। फिरोजाबाद से राकेश वर्मा के साथ जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। समस्त मंच को नमन करते हुए और मंच के सम्मुख हमारी जो भी मातृशक्ति है, बुजुर्ग है, सभी को इस 64वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं के रूप में। और हम आज कोई संकल्प लेते हैं कि आज भी 2022 में प्रशंसा करते हैं माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बना करके और उनके जन्मदिन की हम बहुत ही बड़ी शुभकामना देंगे। और साथ ही साथ अभी हमारे वक्तागणों ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, सरकार का जो वायदा है वो नहीं किया। सरकार का सबका साथ तो लिया है लेकिन सभी का विनाश किया है। आज कोई वैकेंसी नहीं भरी जा रही हमारे युवा का ठगे जा रहे हैं। किसान हमारा शहर की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? शहर की जनता के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि जब बहन जी का जो 64वां जो जन्मदिन है उस जन्मदिन पर ये शहर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं। जब बहन जी का शासन होता है या 2007 में जब बहन जी की सरकार रही तो पूरे प्रदेश में गुंडा मुक्त हो गए थे। और जब बहन जी की सरकार में 2011 में जब अयोध्या वाला जब मामला लखनऊ पीठ में आ रहा था, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी फसाद नहीं हुआ। बहन जी ने कह दी कि बहन की निर्णय किसी के पक्ष में आए लेकिन शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देंगे। आप ये जानते हो जब 2007 की सरकार में जब 2011 में जब अयोध्या पीठ में जब आया था वो मामला लखनऊ की उसमें आया था तो आपने भी देखा होगा कि एक भी दंगा कहीं भी नहीं हुआ, ना स्कूल बंद रहे, बच्चों को हर एक प्रकार की व्यवस्था दी गई, जनता को सुविधाएं दी गई। इससे बड़ा आप सब चीज़ जानते हैं। अच्छा, आज बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर शहर की जनता के लिए क्या संदेश? आज हमें 200 रुपए की मुद्रा भेंट करके बहुत बहुत भैया जी का साथ हुआ। हमारी आदरणीय बहन जी का 15वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस धूमधाम से मनाने के बाद ये संदेश जाता है आगामी हमारा जो विधानसभा का चुनाव है हम बहुत अच्छी ताकत में आते हैं। अच्छा, NRC और CA में बहन जी बहन कुमारी मायावती खुलकर विरोध नहीं किया, उसका क्या कारण रहा, क्या वजह रही? ऐसा है, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी धरना प्रदर्शन ये बवाल इसमें ज़्यादा भरोसा नहीं लगती। हमारी पार्टी बहुत शांति तरीके से उच्च अधिकारियों के साथ पास जाकर ज्ञापन के रूप में जो भी हमारे जिले के मंडल के पदाधिकारी होते हैं और ज्ञापन के रूप में जाकर अपनी बात रखती है, ना कि हमारी पार्टी ये विरोध प्रदर्शन तोड़फोड़ ये नहीं करती। हमारी पार्टी शांति तरीके से अपने बात को। अच्छा, साबिर कुरैशी बसपा के जो है मुख्य कार्यकर्ता माने जाते हैं, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं रहे, उनका इसका क्या कारण रहा, क्या वजह रही? जी, ऐसा है, हमारी पार्टी ने सब समाज के लोगों का आमंत्रित किया गया है। हो सकता किसी वजह से किसी कारण वो नहीं आ पाए हों, लेकिन हमारे इस मंच पर सब समाज के लोग उपस्थित हैं, 5 विधानसभाओं के लोग आ रहे हैं और आदरणीय बहन जी के जन्मदिन की सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं। आपके शहर फिरोजाबाद पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर खुल गया है। आयान इंटरप्राइजेस स्कूल यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स एंड बुक सेंटर आपको हमारे यहाँ उचित रेट पर स्कूल के बच्चों की ड्रेस व स्पोर्ट्स के आइटम पर 20% छूट मिलेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।